जब एक हफ्ते के अंदर में क्या सरकार उस मसले को हल कर देती तो 102 दिनों तक वहां पे प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती क्या? लोग अपनी मर्जी से क्या वहां पे ठठुरती रात में और बच्चों को और सबको घर परिवार छोड़ करके महिलाएं जो वहां प्रदर्शन कर रही थी वो जानबूझ के कर रही थी? अगर सरकार को इतनी चिंता थी तो एक हफ्ते में मसला हल हो जाता, एक बार आके डेलीगेशन के साथ बातचीत हो जाती तो जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन सरकार को पता था कि शाहीन बाग से उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में फायदा मिल रहा है, बीजेपी को पता था, इसलिए उन्होंने उस पर सूद नहीं ली। आखिर में उनको फायदा नहीं हुआ, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे क्या? तो बीजेपी को माफ बना पाए वहां पर? आप कोई डेलीगेशन बना पाए? क्यों जूतम पेजार हो जाती थी डेलीगेशन बनाने के नाम पे? कितनी बार होम मिनिस्टर ने आपको बुलाया? सुधांशु जी को जोड़िए भाई, आदरणीय खुशबू जी आ गई हैं। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं खुशबू जी का, अगली बहस की तरफ जाऊंगा। बताइए शोएब भाई जी, मैं खुद भी सुनिए, मैं खुद यहाँ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से दो दो बार जाकर के मुलाकात की और हमने गुजारिश की कि सर एक डेलीगेशन लेकर के आप शाहीन बाग भिजवा दीजिए, अपने कोई भी सीनियर लेवल के अधिकारी के साथ आप चले, क्योंकि हमारा रॉ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट अभी कोई समिति नहीं बनी। हाँ, बाद में समिति बनी, शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जिसका मुझे सह संयोजक और प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन उस वक्त नहीं बनी थी। तो सरकार ने जो है इस पर कोई फिक्रमंद नहीं हुई, तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए।